राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान पूरा हो गया है। मतगणना का इंतजार 4 जून को है। अगर बीजेपी इस बार फिर से सत्ता में आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने में कामयाब रहते हैं, तो कौन राजस्थान से मंत्री पद के दावेदार हैं? वर्तमान में 4 मंत्रियों ने राजस्थान से चुनाव लड़ा है। पहले नंबर पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से हैं, दूसरे में अलवर से भूपेंद्र यादव हैं जो पहली बार चुनावी मैदान में रहे और अब दावेदार हैं सशक्त मंत्रालय के। कैलाश चौधरी बाड़मेर से संघर्ष में जूझ रहे हैं, वहीं अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से लगातार अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन इस बार 25 में से 13 ऐसे दावेदार हैं जो मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ कार्यक्रम में नेक्स्ट लेवल पर चौक पहुंचा है, खंगाला गया है, मतदाताओं का रुझान देखा गया है, साथ ही राजस्थान की जनता अपने सांसदों में अगर बीजेपी जीतती है तो किन्हें मंत्री पद का दावेदार मानती है उसके आधार पर यह आकलन है। अगले कुछ मिनटों में हम आपके सामने वो नाम साझा करेंगे जो लगभग मोदी कैबिनेट के चेहरों में से एक हो सकते हैं। शुरुआत अगर हम करें तो अलवर से करने होगी। अलवर से भूपेंद्र यादव दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं और लगभग जीत के करीब बताए जाते हैं। ऐसे में मोदी सरकार के सत्ता में आने पर मंत्री पद उनका बरकरार रहने की पूरी पूरी संभावना है। इस बार मंत्रालय कुछ और अहम हो सकता है, उन पर पूरे राजस्थान की और मोदी सरकार के दोनों ही सशक्त चेहरों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों की करीबी आहट बताती है कि कैबिनेट में यह चेहरा अवश्य होगा। दूसरे नंबर पर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जोधपुर से, बीजेपी के लिए लगातार ताल ठोक रहे हैं, हैट्रिक नरेंद्र मोदी सरकार की भी संभावित है और गजेंद्र सिंह शेखावत की भी। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय अहम पद संभाल रहे हैं। इस बार कई कयास सोशल मीडिया पर उठे लेकिन उसके बाद भी माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में इनकी जगह लगभग कंफर्म समझी जा रही है अगर सत्ता में बीजेपी सरकार एनडीए आती है। अर्जुन राम मेघवाल संसदीय और कानून मंत्री के अहम जानकार हैं, संसद में बीजेपी की रूपरेखा बनाने में अहम किरदार है। ऐसे में एक नाम इनका भी सामने आ रहा है कि हैट्रिक लगाने के बाद अर्जुन राम मेघवाल फिर से ये अहम कुर्सी पद संभाल सकते हैं। हालांकि इनकी जीत अगर होती है तो संभवतः चौथी बार होगी। कुछ और नाम जिन पर अब चर्चा बनती है, ये नाम तो ऐसे हैं जिनमें कयास लगाए जा रहे हैं कि इनका नाम आना तय है, लेकिन राजस्थान पॉलिटिकल लिहाज से ड्राई स्टेट है। इस बार कुछ बड़े चेहरों के आने के बाद और चुनाव में बड़ी गर्मा गर्मी रहने के बाद माना ये भी जा रहा है कि जातिगत समीकरणों, चाहे राजपूत की बात करें, जाट या अन्य जातियों के लिहाज से, तो ऐसे में समीकरण ज़्यादा बैठते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि बीजेपी की कोशिश रहेगी कुछ नए क्षेत्रों में जहां से इस बार जीत कर आएंगे वहां भी देश के अलग अलग हिस्सों में मंत्रालय के कैबिनेट के पद दिए जाए, साथ ही एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनमें भी वितरित होते हैं, तो कुछ चीज़ें बनती और बिगड़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। हालांकि पिछली बार राजवर्धन सिंह राठौड़ को मंत्री नहीं बनाकर स्पष्ट संदेश मोदी सरकार ने दे दिया था कि पक्की सीट कोई ना समझे, कभी भी परिवर्तन हो सकता है। कई ऐसे नाम जो सांसद तो बन जाएंगे लेकिन मंत्री बन पाएंगे या नहीं, ये केवल और केवल मोदी के चेहरे पर, मोदी के निर्णय पर डिपेंड करता है। हालांकि इस पूरे मसले में अमित शाह के नज़दीकियों के बीच चलने की पूरी संभावनाएँ हैं। तो नाम शुरू करते हैं इन 3 चेहरों के बाद कैलाश चौधरी का। बाड़मेर से अगर जीतते हैं तो इस बार संभावना कम है लेकिन नाम सूची में है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कड़े संघर्ष में अगर जीत मिलती है तो राज्य मंत्री के तौर पर पदभार संभाल चुके, कैबिनेट में हिस्सा रहे कैलाश चौधरी इस बार फिर से थार की रणनीति को नए सिरे से संवारने में कामयाब रह सकते हैं। और जिस हिसाब से सीट त्रिकोणीय संघर्ष में फंसी है, जीत अगर बीजेपी की होती है तो मंत्री पद के लिहाज से भी एक नाम कैलाश चौधरी का हो सकता है। बांसवाड़ा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय को विधायकी
से इस्तीफा दिलाकर कांग्रेस से बीजेपी मिलाकर चुनाव लड़वाया गया। जानकार संभावनाएं बता रहे हैं कि हो सकता है आदिवासी एंगल से इनको भी शामिल किया जाए। यहां मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो तमाम नाम मैं बता रहा हूं, ये दावा रखते हैं अपनी अपनी योग्यता के लिहाज से, बीजेपी के समीकरणों के लिहाज से, लेकिन राजस्थान में कुल जमा अधिक से अधिक 4 मंत्री बनाए जाने की संभावनाएं हैं। तो इन 13 नामों में से केवल 4 ऐसे हैं जो मोदी कैबिनेट का शुरुआती दौर में हिस्सा रह सकते हैं अगर एनडीए बीजेपी सत्ता में आती है। अब बात अगर हम करें तो चित्तौड़गढ़ की आती है। सीपी जोशी वर्तमान में प्रदेशाध्यक्ष हैं और अहम चुनावी सीट पर हैं। इन्हें जिम्मेदारी मिलना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन एक पद इनसे जाएगा जो कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष का है। चुनावी मैदान में है, जीत के लिए आश्वस्त हैं और इस बार उनके समर्थकों में भी संभावनाएं हैं कि अगर सब समीकरण ठीक रहे तो इस सौम्य, सरल और सहज चेहरे को मोदी कैबिनेट में देखा जा सकता है। लेकिन जब इस चेहरे को लिया जाएगा तो तमाम बड़े नामों में से एक को शुरुआती दौर में रेस्ट भी दिया जाएगा। ये भी संभावनाएं पूरी पूरी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। एक नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे से आता है, वो है देवेंद्र झाझड़िया का। हालांकि सियासी हलकों में चर्चा रही कि खेल मंत्रालय उन्हें दिया जा सकता है अगर वो जीतते हैं। देवेंद्र झाझड़िया चूरू संसदीय क्षेत्र से लड़ रहे हैं और कड़े मुकाबले में फिलहाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मोदी ने कहा था कि इशारा यानी अक्लमंद को इशारा काफी। तो वो इशारा केवल जीत के लिए नहीं था, संभावना यह है कि अगर जीत उनके कोटे आती है तो दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और पदक विजेता पद्मश्री के नाते देवेंद्र झाझड़िया के खाते में मंत्री पद में एक खेल वाला कोटा उनके हिस्से जा सकता है। हालांकि निर्णय फिर मैं वही कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। मंजू शर्मा जयपुर से चुनाव लड़ रही है, जीत उनकी भी पक्की मानी जा रही है। संघ पृष्ठभूमि होने के कारण, वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता होने के कारण, आरएसएस से नजदीकी के कारण उन्हें भी मंत्री पद में से एक का दावेदार माना जा रहा है। हालांकि अंतिम फैसला नरेंद्र मोदी का होना है, तो ऐसे में अगर सभी समीकरण ठीक बैठते हैं तो महिला कोटे के लिहाज से मंजू शर्मा भी अपना पद ऊपर मान रही है। एक और चर्चित सीट झालावाड़ की है। दुष्यंत सिंह फिर से वहां चुनावी मैदान में है और लंबे अरसे से सांसद हैं, लेकिन मंत्री पद उनसे अछूता रहा है। इस बार संभावनाएं हैं कि दुष्यंत सिंह लगातार अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करने के नाते मोदी कैबिनेट में हिस्सा पा सकते हैं, लेकिन ये भी इफ एंड बट में जूझ रहा है। राजस्थान के संभवतः बीजेपी के लोग ये ना चाहें, ये गौर करने वाली बात है कि दुष्यंत सिंह कैबिनेट का हिस्सा रहे, लेकिन सांसद बनना तय है। कोशिश वसुंधरा राजे पूरी करेंगी कि उनकी तमन्ना, उनकी मंशा जो पिछले चुनाव में अधूरी रही थी, इस बार दुष्यंत सिंह को कैबिनेट में शामिल करवाकर एक राजनीतिक मुकाम हासिल करवाए। हालांकि ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निर्भर करेगा। वसुंधरा राजे इस चुनाव में उनकी भूमिका को लेकर कई सारी चीज़ें मीडिया में सामने है, संगठन पदाधिकारी के लिहाज से है, लेकिन इतना तय है कि वसुंधरा राजे से विधायक होने के बावजूद एक अहम पद उन्हें नहीं दिया गया इस बार। ऐसे में दुष्यंत सिंह की लॉटरी लग सकती है, लेकिन फिर भी तमाम कयास यहां पर है कि दुष्यंत सिंह एक बार फिर से रह सकते हैं, लेकिन संभावनाएं यही है कि दुष्यंत सिंह उस कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं जब सत्ता में आने पर एनडीए के कैबिनेट का गठन होगा। बात ओम बिरला की कर लेते हैं। बड़ा पद उनके पास रहा है और कोटा की सीट में ओम बिरला अगर जीतते हैं तो संभावनाएं ये मानी जा रही है कि संसद के सबसे बड़े पद पर वो 5 साल विराजमान रहे हैं, स्पीकर लोकसभा रहे हैं, तो ऐसे में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी उन्हें ये पद दे सकते हैं। लेकिन ये तमाम कयास हैं, अगर ये पद नहीं दिया जा सकता है तो कोई बड़े मंत्रालय का पदभार भी ओम बिरला के हिस्से आ सकता है। जीत के बाद इनकी उपयोगिता और इनका उपयोग दोनों ही नरेंद्र मोदी सरकार की निगाहों में रहेगा। देखने वाली बात होगी कि इस बार इनके हिस्से में क्या आता है। ज्योति मिर्दा नागौर से चुनाव लड़ रही है। ज्योति मिर्दा हालांकि बड़ी दावेदार नहीं है, लेकिन जाट वोटर्स के लिहाज से, जाट कम्युनिटी के लिहाज से, किसान कौम के लिहाज से और मिर्दा परिवार की एक लेगेसी को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार अगर जीत मिलती है तो ज्योति मिर्दा के हिस्से भी कोई ना कोई मंत्रालय आ सकता है। उन 13 लोगों की सूची में ये भी शामिल है जो 25
बीजेपी के सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। पीपी चौधरी हालांकि पाली से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इनका उपयोग भी बीजेपी की सरकार कर सकती है, लेकिन संभावना यही है कि संसदीय कमेटियों में इनका उपयोग ज़्यादा होगा। हालांकि दावेदारों की सूची में अपना नाम शामिल करवाने में ये भी सक्षम रहे हैं। ये तमाम नाम थे जो राजस्थान बीजेपी की राजनीति में अपना कद्दावर स्थान रखते हैं। जीतते हैं तो इनका नाम मंत्रिमंडल की सूची में शामिल रह सकता है। बहुत सारे ऐसे भी नाम हैं, हालांकि तमाम सांसद चाहेंगे कि मोदी की टीम में तो शामिल हो रहे हैं, मोदी की कैबिनेट में भी शामिल हो, लेकिन योग्यताएं, संख्या और एक सीमित स्थान राजस्थान के कोटे में आना ये तय करता है कि इस बार अगर NDA हैट्रिक बनाने में कामयाब रहती है तो राजस्थान से कैबिनेट के कोटे का चयन करना भी बड़ा टफ होगा। कई ऐसे नाम हैं जिन्हें संगठन के लिहाज से बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और कई ऐसे भी नाम हैं जिन्हें इस बार पहली बार जीतते ही मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनने का गौरव मिल सकता है। लेकिन इन तमाम कयासों के बीच में सभी अपने हार जीत के फासले को तय करने में जुटे हुए हैं। आकलन बूथवार किया जा रहा है और इसी के आधार पर निर्भर करेगा कि अगर वो संसद की सीढ़ियां चढ़ते हैं, मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाते हैं तो उनके हिस्से में वो पद भी आएगा। लेकिन राजस्थान चौक हमेशा अपने दर्शकों को अग्नि रखता है। आप क्या मानते हैं कि जो 25 दावेदार हैं उनमें 13 का आकलन तो हमने किया है, लेकिन शेष जो 12 बचते हैं उनमें से भी क्या कोई संभावनाएं हैं? आप भी इनके नफा नुकसान का सटीक आकलन कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी नज़र में मोदी कैबिनेट में तीसरी बार जब सरकार बनने की संभावनाएं हो तो कौन से ऐसे चेहरे हैं जो लिए जा सकते हैं। फिलहाल राजस्थान चौक को अगर अब तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिएगा और बेल आइकॉन भी दबाइएगा, क्योंकि ये घंटी आपको लगातार अहम खबरों से रूबरू करवाती रहेगी। अंकित तिवारी को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।